नहीं आ रही है, मलेशिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है वो बोल रहा है कि बहुत शुक्रिया भारत, आप लोग हमारे असल भाई हो क्योंकि आप लोगों ने हमें 1,70,000 टन चावल के दिए हैं। भाई मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं। बाई गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं वो। आई ट्रस्ट यू। इंडिया का केरला का डॉक्टर है, मद्रास का, उसका वर्ल्ड में नाम है। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। आप यकीन मानो कि मेरे को एक खुराक या दो खुराक खा के मैं सही हो जाता था। इसमें क्या करूं मैं? I am speechless. अभी ये मेरी इधर सर्जरी थी हुई, उधर मैं दुबई से मद्रासी डॉक्टर से करवाई। पाकिस्तानी मेरे को बोलते थे ये वो, मैं बोला नहीं, आई नॉट इंटरेस्ट यू। उसने मेरे को इधर ये कैमरा डाल के पूरी सर्जरी की है, पर सब प्लास्टिक की मेरे पड़ी हुई हैं और कोई उधर ऐसा सिस्टम नहीं। हालांकि इंश्योरेंस था जो एक मुनासिब रेट था, मेरा तो एक रुपया भी नहीं लगा। 50-60 साल पीछे भी चले जाएं तो अरब कंट्रीज़ ने कभी भी मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के खुल के हमायत नहीं की थी। इवन इराक और बाद मुल्कों का वोट हमेशा भारत के हक में होता था। उसकी वजह शुरू से ही पंडित नेहरू की एक पॉलिसी थी कि उसने अपनी कौम की जो खारजा पॉलिसी थी वो ज़रा आज़ाद रखी थी। हम शुरू में ही अमरीकी गुलाम बन गए, तो यही वजह है कि एक बड़ी वजह यह कि कोई मुल्क हम पे एतमाद नहीं करता। आप कह रहे हैं हमायत, मैं तो बोलता ही थैंक यू उनको, ये मेरे लेंस पड़े आंखों में। भारत के डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं? हाँ बिल्कुल बोलता हूँ, ये मेरे लेंस पड़े हैं, मुझे आपके मसाम भी नजर आ रहे हैं। ये किसने डाले हैं लेंस? ये इंडियन डॉक्टर था, डॉक्टर कुलदीप, एनएमसी हॉस्पिटल में। है कि दुनिया के जो 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं उसमें हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल है, ठीक है। दूसरी बात ये बताएं कि हमारा कारगो तहसील जो नौजवान होता है हाल में, सिर्फ उधर अगर कीमत बढ़ती है ना ये रमजान में, भारत में, इंडिया में, दुबई में पाकिस्तानी मुस्लिम और बंगाली मुस्लिम बढ़ाते हैं, इंडिया नहीं बढ़ाएगा। यू बिलीव मी, ठीक है, आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू। इंडिया नहीं बढ़ाएगा, पाकिस्तान नहीं और इंडिया बंगाली बढ़ाएगा। इंडियन क्यों नहीं बढ़ाएगा? बांग्लादेश में भी ईमानदारी नहीं है। बांग्लादेश भी जहाँ उनका दाव लगता है, वो कहते हैं इंग्लिश की दी पंजाबी का दाज इधर लगता लगा, उनका भी जहाँ दाव लगता और बंगाली भी मांगते हैं। तो आपकी नज़र में सिर्फ ईमानदार इंडियन है? और मुझे खुद ऐसे लोगों को एक दो बार ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा हम आपको कराची यूनिवर्सिटी से ला के डिग्रियाँ प्रोवाइड कर देंगे, वो बिल्कुल ओरिजिनल होंगी और अगर उनकी वेरिफिकेशन HSCC होगी तब भी वो दुरुस्त साबित होंगी। तो ये हाल है। हमारे पास फिर क्या नॉलेज होगा बताएं? इसमें अगर आलमी दुनिया हमें क्रिटिसाइज करती है, हमें वो अहमियत देने को तैयार नहीं, तो वो अपनी जगह पे जायज़ हैं, ठीक हैं, क्योंकि उन्हें जाहिर है जो हमारे यहाँ की खामियों का हमसे भी ज़्यादा पता है। क्या उनके जो एम्बेसडर्स हैं या उनके सफारतखान हैं वो हर रोज़ अपने मुल्क को रिपोर्ट नहीं भेजते हैं? अभी यह कराची नज़दीक है, इधर से क्यों नहीं ट्रेन बना रहे? वो दुबई से बॉम्बे बना रहे हैं इतनी लंबी, उनको मालूम है ना कि इनसे तो हमको फायदा, इनसे ये अपने। अभी आप इधर से बॉर्डर क्रॉस करें, 30 किलो आटा है, 30 रुपए किलो आटा है। आपने खुद बताया है कि उनमें और हम में कितना डिफरेंस है, जमीन आसमान का, कितना नहीं, जमीन आसमान का 1 और 200 का फर्क है। इंडियन नहीं करते थे? भाई गॉड, खुदा की कसम मैंने नहीं देखा किसी को, इससे बड़ी की बात है। हम इकट्ठे खाते पीते थे, यकीन माने आप। क्या बात कर रहे हैं? छूत नहीं हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मिर्जा अकमल पाशा। बिल्कुल सही। एक खबर सामने आ रही है, मलेशिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है जी। वो बोल रहा है कि बहुत शुक्रिया भारत, आप लोग हमारे असल भाई हो क्योंकि आप लोगों ने हमें 1,70,000 टन चावल के दिए हैं। ये सिर्फ इंसानियत देख रहे हैं, हमारे भारत में इंसानियत है। भाई मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं। बाई गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं वो। आई ट्रस्ट यू। उनमें कोई झूठ नहीं। ये आप किसी दुकानदार के पास चले जाओ, मिलावट सब कुछ। एक मिसाल दीजिए, आपने इतना अरसा उनके साथ काम किया तो कोई एक मिसाल दीजिए, थोड़ा सा इधर हो जाए। कोई ऐसी वो दो नंबर चीज नहीं देखी, दो नंबर चीज मैंने उनमें नहीं देखी। वो जैसे हम में है ना मुनाफ़त बढ़ी भरी हुई, उनमें नहीं है। जो जबान पे है वही दिल में है। अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, इधर तो सब यही है। क्या कोई वाकया हुआ था वहाँ पर? क्या कोई मसला हुआ था वहाँ पर? मैं बोलता हूँ मेरे साथ जॉब करते रहे हैं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था उधर, मुसलमानों से ज्यादा। अभी ये दुबई है,
ये ज़्यादा इंडियन को पसंद कर रहा है। अभी ये कराची नज़दीक है, इधर से क्यों नहीं ट्रेन बना रहा है? वो दुबई से बॉम्बे बना रहे हैं इतनी लंबी, उनको मालूम है ना कि इनसे तो हमको फ़ायदा, इनसे ये अपने मुल्क अपने अवाम को फ़ायदा नहीं दे सकते, हमको क्या फ़ायदा देंगे? ने बोला है कि उनमें ज्यादा ईमानदारी है, तो जाहिर है वो हिंदू थे तो वो इंडिया से होंगे, ठीक है? तो क्या इंडियंस वहां पर किस क्या क्या उनका आर्य देखा कि मैंने पीछे उनसे कोई बुराई नहीं देखी किसी की, जैसे कि दुबई पाकिस्तानियों को बुरा समझता है, ये लोग वहां पर जाकर ड्रग सेलिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, सऊदीया में करते हैं, तो क्या इंडियन भी वहां पर ऐसा? ना 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 ना, कोई भी नहीं, नथिंग, कोई भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वो ऐसा होगा तो अपना भी मिलने जुलने वाले के पास चला जाएगा, प्लीज ये मेरे को प्रॉब्लम है, मेरी हेल्प कर दो। इतना डिफरेंस कैसे है? हालांकि हम भी तो पहले उन्हीं के साथ ही रहते थे। हम ये हैं कि अभी जो हालात है, हम सुबह उठे तो लाखों लाख पति हुए हैं, करोड़ों में हमें मिले, उनमें नहीं है। देखो स्टेप बाय स्टेप आदमी ऊपर जाता है ना, वो मेहनत करते हैं। आज आप यकीन करें, सऊदी इतनी है उनकी कि आप सोच भी नहीं सकते। एक टॉयलेट में काम करने वाला हाउस कीपिंग, इतनी उसकी हाई इंग्लिश है कि बता नहीं सकता। इंडिया की आपने खुद मतलब आप तो साथ रहे हैं, तो आपका खुद का एक्सपीरियंस हुआ होगा? बिल्कुल खुद का जी, मैं किसी के पे क्यों बिलीव करूं? अभी नेपाल है, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, एक रुपया कर्जा नहीं है उस पर। नेपाल की भी मदद भारत ने की अभी, वो हेल्प करनी और बात है। जब किसी को आप ये उंगली पकड़ा सिखा दोगे ना तो ख़त्म है, उसको आदत पड़ जाएगी। हेल्प और चीज़ है, जब किसी को उधार दे दोगे या अल्लाह के नाम पे दोगे तो उसको आदत पड़ जाएगी कि मेरी तो गुजारा हो रहा है, मेरा सब कुछ। तो इसलिए आप यकीन करें, सऊदीया ने प्रेफरेंस के वीज़ाज़ रखे हैं भारतीयों के लिए, दुबई ने रखे हुए भारतीयों के लिए, अमेरिका ने रखे हुए भारतीयों के लिए, इसराइलियों ने रखे ना। दुबई के 3 दिन हुए, दुबई का वीज़ा बंद हो गया ना, सिर्फ इनकी वजह से। अभी आप रोड पर चले जाएँ, कोई वाकफ नहीं है, प्लीज़ ये मैं आया था, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, मेरे को वकील वो कफील नहीं मिल रहा, मेरी कुछ हेल्प कर दो। आदमी देखो, अगर मेरे को भी मिला कितनी हेल्प कर दूंगा, 5 नहीं तो 10 दे दूंगा। एक दफ़ा उसको मिला, उसको आदत पड़ गई। अभी ये कितना फकीर खड़ा है, मैं किसी को एक रुपया नहीं देता, ये डिजर्विंग नहीं है, मैं खुद मानती हूँ। अब देखे ना, हाथ पाँव सारे सलामत है। अभी आप इनका ये लाहौर के हर चौक पे चले जाओ, आपको मांगने वाले मिलेंगे। अच्छा। और सुबह कभी 5 बजे देखो जो गाड़ियों पे इनको छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, 100%। तो ये इसका ये हमारा काम है देखना सब कुछ। तो फिर क्या सही कहते हैं कि ये लोग बाहर आते ही मांगने आते हैं? सही बोल रहा हूँ मैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं। मुझे बताएं, अभी तक किसी मुस्लिम कंट्री ने हमें क्यों नहीं बोला थैंक यू पाकिस्तान, You are our brother. ये दिल से, उनको मालूम है ना कि इनके दिल साफ नहीं है हमारे? हाँ, अपने बहन भाइयों के साथ साफ नहीं है, माँ बाप के साथ। तुर्की में जलजला आया था ना, तो उन्होंने हमारा सामान वापस भिजवा दिया था। उनको मालूम था ना कि ये जो पिछली दफा जलजला आया था उन्होंने कहीं रखा हुआ था, तो वो उन्होंने उधर भेज दिया। ऐसे ही है ना, करना चाहिए था वैसे ऐसा। ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। देखो कोई भी मुल्क चीज देता है ना, पाकिस्तान को भी हमने मदद नहीं की थी जब अभी उन पर क्राइसिस आए थे, तो भारत ने उनको कैंप्स भिजवाए थे। 500 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं भारत के वहाँ पर। बिल्कुल सही बात है, तो क्यों कबूल करे? वो पुराना सामान उठा के दे देते हैं उनको, क्यों कोई कबूल करे? अगर आपने हेल्प करनी तो हुकूमती लेवल पे सामान इकट्ठा करो और भेजो, और जो पुराना उन्होंने स्टॉक किया होता वो भेज देते हैं। ये सब चीजें देखनी चाहिए हमें। कौन दे, हम तो नहीं देखेंगे, ये हुकूमत का काम है, हमारा काम है। आवाम को तो बेचारी को खाने के पाले पड़े हुए हैं। आप यकीन मानेंगे, 30 साल में सिर्फ उधर अगर कीमत बढ़ती है ना, ये रमजान में भारत में इंडिया में दुबई में पाकिस्तानी मुस्लिम और बंगाली मुस्लिम बढ़ाते हैं, इंडिया नहीं बढ़ाएगा। यू बिलीव मी? ठीक है, आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू। इंडिया नहीं बढ़ाएगा, पाकिस्तानी और इंडिया बंगाली बढ़ाएगा, इंडियन क्यों नहीं बढ़ाएगा? असल में उधर हिंदू मुस्लिम का मसला आ जाता है ना। समझी नहीं। हिंदू मुस्लिम का मसला आ जाता है ना, तो वहाँ पर भी ये कोई रेट इतने हाई नहीं होते इंडिया में। अभी आप इधर से बॉर्डर क्रॉस करें, 30 किलो आटा है, 30 रुपए किलो आटा है, और इधर क्या किलो है? वो अपनी आवाम के लिए इतना सोचते हैं, तो हम क्यों नहीं सोचते? ईमानदारी उनमें, ईमानदारी है। बांग्लादेश में भी ईमानदारी नहीं है।
बांग्लादेश भी जहाँ उनका दाव लगता है, वो कहते हैं इंग्लिश की थी पंजाबी का दाज इधर लगता लगा, उनका भी जहाँ दाव लगता, और बंगाली भी मांगते हैं। तो आपकी नज़र में सिर्फ ईमानदार इंडियन है? मैं ईमानदारी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बिजनेस में तो सब प्रॉफिट लेते हैं, मगर स्कूल की बात, स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। तभी वो आज हमसे आगे है, तभी उनकी सबसे बनती है। मैं बोलता हूँ कि आप इंडिया का केरला का डॉक्टर है मद्रास का, उसका वर्ल्ड में नाम है। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। आप यकीन मानो कि मेरे को एक खुराक या दो खुराक खा के मैं सही हो जाता था। इसमें क्या करूं मैं? I am speechless. अभी ये मेरी इधर सर्जरी थी हुई, उधर मैं दुबई से मद्रासी डॉक्टर से करवाई, पाकिस्तानी मेरे को बोलते थे ये वो, मैं बोला नहीं, आई नॉट इंटरेस्ट यू। उसने मेरे को इधर ये कैमरा डाल के पूरी सर्जरी की है, पर सब प्लास्टर की मेरे पड़ी हुई हैं, और कोई उधर ऐसा सिस्टम नहीं। हालांकि इंश्योरेंस था जो एक मुनासिब रेट था, मेरा तो एक रुपया भी नहीं लगा। अच्छा, फ्री में की उसने? नहीं नहीं, वो गवर्नमेंट ने पे किया ना, दुबई गवर्नमेंट ने, मेरी कंपनी ने। तो यहाँ पर आदमी किसी इधर किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वहाँ पर आप एक डॉक्टर के पास गए हैं ना, तो आपको 7 दिन वो फ्री देखेगा, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं। मैं आपकी बातें सुन के बहुत हैरान हो रही हूँ। आपने केरला के डॉक्टर की बात की है, कौन है वो? और मद्रास। और इधर आप डॉक्टर के पास आज गए हैं? दुबई में है केरला और मद्रास? नहीं, इंडिया में है ना केरला और मद्रास। केरला में डॉक्टर कौन सा? नहीं, दुबई में ये डॉक्टर हैं मद्रास के और केरला के। और इधर आप आज गए हैं 4,000, कल गए हैं 3,000, तीसरे दिन गए हैं 3,000। अभी सब कुछ तो डॉक्टर को दे दिया, क्या करेगा आदमी? MRI होती है, और अगर सही नहीं हुई तो 10 बार भी, वो सही नहीं हुई तो 10 बार करेंगे। डॉक्टर को थैंक यू बोलना चाहेंगे? तो मैं तो बोलता ही थैंक यू उनको, ये मेरे लेंस पड़े हैं आंखों में। भारत के डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं? हाँ बिल्कुल बोलता हूँ, ये मेरे लेंस पड़े हैं, मुझे आपके मसाम भी नजर आ रहे हैं। ये किसने डाले हैं लेंस? ये इंडियन डॉक्टर था, डॉक्टर कुलदीप, NMC हॉस्पिटल में। इधर हम किस पर इंटरेस्ट करें बताएं मेरे को? अल्लाह ही हाफज है हमारे मुल्क का। आपने खुद बताया है कि उनमें और हम में कितना डिफरेंस है। जमीन आसमान का, कितना नहीं, जमीन आसमान का, 1 और 200 का फर्क है। आप किसी इंडियन दुकानदार के पास गए हो, आप 500 बार चीज निकलवाएंगे, आपको दिखाएगा, आप लें या ना लें वो बात की बात है, वो बड़ा अच्छा बिहेव होगा उसका। और पाकिस्तानी के पास चले जाओ 2 बार, यार ये दिखा दो, ओ नहीं भाई ये आप किसी और जगह से ले लो, ये हाल है। लेना तो लो, नहीं तो जाओ। ये करने जाते हैं हम भाई, देख लो जी बस। नहीं जाते तो हम वर्क वीजा लेकर है ना, क्या करते हैं ये, अभी तो उन्होंने बंद कर दिया ना, बैंक से लोन लेते हैं, भाग आते हैं इधर। कितनी शॉप क्लोज पड़ी हुई है, 1-2 लाख दरम लिया, भाग आए इधर, खलास। पीछे जो उन्होंने एम्प्लॉयज बुलाए हुए हैं वो बेचारे उधर परेशान हुए हुए हैं, और उनको भी मालूम है। मैं हमारे साथ आदमी थे पाकिस्तानी, जब मेरपोर्ट से निकलते थे ना, हम तो अपनी ट्रांसपोर्ट पे आ जाते थे, वो पैदल आता था, इंडियन उसने नहीं, पाकिस्तानी, उधर ही उसने अपना ड्रेस चेंज करना एयरपोर्ट पे, यूनिफॉर्म चेंज करके उसने कोई भी देखा, भाई यार ऐसे हो गया मेरे साथ, कोई थोड़ी सी हेल्प कर दो प्लीज़, अल्लाह आपका भला होगा, मेरे बच्चों के पास कुछ खाने पीने के भी नहीं। आपकी आंखों देखा हाल है? आंखों देखा हाल है, वो तो हम एक बार उसके पीछे गए कि यार ये करता क्या है, इधर से ड्रेस चेंज करता और निकल जाता है पीछे। ये तो बहुत बड़ी बात है जो आप मुझे बता रहे हो, कैसे इंडियन ने नहीं किया? नहीं, मेरे बच्चे फ्री हो गए, नहीं तो मैं आपको वो दिखाऊँ कि आप भी रोए मैं भी रो, वो बेचारा वो भी रोए। इंडियन नहीं करते थे भाई, गॉड खुदा की कसम मैंने नहीं देखा किसी को, इससे बड़ी की बात है कोई नहीं देखा मैंने। बनेगा फिर हमारा? हमारा अभी बन गया ना, सब कुछ बन गया, अभी जब मुल्क का बेड़ा गर्क खत्म हो गया तो ये ट्रैफिक वालों ने शुरू कर दी है अपने फॉलो करना सब सब। वहाँ पर चोरी शिकारी में नाम आते हैं, ड्रग सेलिंग में, ये लड़कियाँ छेड़ने में बाहर के ममालिक? हाँ हाँ आता है। इंडियंस की बात है? नहीं नहीं, इंडियन का नहीं आता, होगा कोई एक आधा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है। आपने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा कोई भी। आपको ज्यादा लगाओ उनके साथ था फिर वहाँ पर,
क्योंकि वो आप मतलब अच्छा भी है। असल में मैं उधर एज ए सुपरवाइजर था, तो मेरे साथ मेरे कोलीग थे, वो सब दोस्त बन गए थे। हाँ, तो हम इकट्ठे खाते पीते थे, यकीन माने आप। क्या बात कर रहे हैं, अछूत नहीं हुआ? क्यों अछूत क्यों हुआ? अभी मेरा फोन घर पे रह गया, मैं आपको दिखाता हूँ उसकी, तो मेरे को डेली काले आती, भाई आप आओ, हम आपको मिस कर रहे हैं। बड़ी दोस्ती आपके साथ, बहुत शुक्रिया सर आपका। देखिए मैडम, बात यह है कि जब आप दुनिया में फ़कीर मशहूर हो जाते हैं, हमारे हुक्मरान जो है वो दूसरों मुल्कों से इमदाद मांग के, एड मांग के वो खुद खा जाते हैं, और वो बोझ हमारे अवाम पर पड़ता है, तो अब हमारी इंटरनेशनली जो हैसियत है वो एक बेगर की सी है, भकारी की सी है, तो अब कोई मुल्क जो है उन्हें पता है कि हम किसी की मदद करने के काबिल ही नहीं है। और दूसरी मैडम बात ये होती है कि अगर हम लोकल सतह पर देखें, ख़ानदान में देखें, रिलेटिव में देखें, तो वो बंदा जो किसी की मदद करता है वो उनके लिए अच्छा होता है। अब अगर क्राइसिस में भारत बांग्लादेश की मदद करता है, मलेशिया की, इंडोनेशिया, किसी भी मुल्क की, इवन पाकिस्तान की भी मदद करता है, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। अब बात ये है कि हम किसी की मदद करने के काबिल ही नहीं, हम तो खुद, हमारे हुक्मरानों ने हमें इस हैसियत में पहुंचाया है कि हम जो है वो अमरीकी पिट्ठू हैं। और साइफर में क्या हुआ था, एक अमरीकी खाता होता है और हमारे वज़ीर आज़म की छुट्टी हो जाती है, तो ये हम कोई खुद मुख्तार मुल्क तो है नहीं। यकीन करें, आप यकीन करें, अफगानिस्तान ने बोला बहुत शुक्रिया भारत, तुर्की ने बोला बहुत शुक्रिया भारत, बांग्लादेश हर दफ़ा उनको याद करता है, ये हो क्या रहा है हमारे साथ? नहीं मैडम, सीधी सी बात है, आप भी समझदार हैं, हर बंदा जो थोड़ा बहुत आलमी हालात या वाक़ात पर नज़र रखता है वो इस चीज़ को जानता है कि आज कौमों के ताल्लुकात की जो बुनियाद है वो बाहमी मफादात है, इकोनॉमिक रिलेशंस वगैरह हैं। तो अब अगर भारत उन मुल्कों की मदद करता है, चाहे वो अपने मुफाद के लिए करता है, पाकिस्तान की दुश्मनी में करता है, जैसे अफगानिस्तान वगैरह है, तो वो मुल्क तो उन्हें थैंक यू बोलेंगे। जब हम इस काबिल नहीं हैं या उन्हें पता है कि हमारे यहाँ कोई जो है वो सॉवरेंटी नहीं है, कोई खुद मुख्तारी नहीं है, मुस्लिम ममालिक में उनको खुद इनवाइट करते हैं अब और उनको अवार्ड भी देते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को। देखें ये आज की बात नहीं है, अगर आप 50-60 साल पीछे भी चले जाएँ तो अरब कंट्रीज़ ने कभी भी मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की खुल के हमायत नहीं की थी। इवन इराक और बाद मुल्कों का वोट हमेशा भारत के हक में होता था, उसकी वजह शुरू से ही पंडित नेहरू की एक पॉलिसी थी कि उसने अपनी कौम की जो खारजा पॉलिसी थी वो ज़रा आज़ाद रखी थी। हम शुरू में ही अमरीकी गुलाम बन गए, तो यही वजह है कि एक बड़ी वजह यह कि कोई मुल्क हम पे अतमाद नहीं करता। आप कह रहे हैं हमायत नहीं की, अभी अगर आपने रिसेंटली ही दुबई का जारी किया हुआ नक्शा देखा हो तो उन्होंने पूरे के पूरे कश्मीर को भारत का हिस्सा बता दिया। हाँ, कश्मीर बल्कि गिलगित बल्तिस्तान तक को वो भारत का हिस्सा शामिल करते हैं। तो देखिए आप ये एक बात कर रही हैं, आप देखिए उन दोनों मुल्कों के दरमियान कितने इकोनॉमिकली जो है वो जो है एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, वो किस किस हवाले से एक दूसरे के साथ वो चल रहे हैं। तो बात ये कि हम कि हमारी क्या प्रोडक्ट है, हमारी क्या पैदावार है, हम दूसरे मुल्कों को क्या दे सकते हैं। हम तो जब हर साल हमारे लोग बस इमदाद मांगने जाते हैं तो वो भी हमें हकारत की नज़र से देखते हैं। तो वो वहाँ देखिए उनका पिछला वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह 10 साल वज़ीर आज़म रहा, नरेंद्र मोदी भी 10 साल पूरे कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई नहीं कि इस्तेहकाम मेरी नज़र में। आप शायद आप ये मानते हैं कि मोदी ने भारत के लिए बहुत काम किया? नहीं, मैं उसमें देखें मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर हम देखें इस वक्त 500 अरब डॉलर से ज़्यादा उनके 6 अरब से ज़्यादा अरब डॉलर के उनके फॉरन रिजर्व मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कोई अचीवमेंट्स हासिल की है, कोई तरक्की की है। अगर वहाँ पे बेहतरीन रेलवे का निज़ाम आ रहा है, बेहतरीन वहाँ पे आबी सिस्टम आ रहा है, वो संती लिहाज से आगे बढ़े, उनके मेडिकल में वो हमसे आगे हैं, वो इंजीनियरिंग में हमसे आगे हैं, वो हर शोबे में अगर हम कंपैरिजन करें वो हमसे आगे जा रहे हैं, तो इसमें फिर हमें मोदी को भी क्रेडिट देना होगा, क्योंकि पिछले 9 साल से तो वही उसका हुक्मरान है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि उनकी कामयाबी, अगर वो हमसे आगे जा रहे हैं तो बड़ी वजह सियासी इस्तेहकाम स्टेबिलिटी है कि उन्होंने जो निज़ाम बनाया वो उसको लेकर चल रहे हैं। हमारे आज भी कोई निज़ाम नहीं, आप देखें इस वक्त पाकिस्तान में कोई आईन और कानून नहीं है। हमने जब सैलाब आया था तो टमाटर प्याज भारत से मंगवाए थे, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं ठीक है, देखें बात ये है कि अगर वो हमारा हमसाया मुल्क भी है, हमने शुक्रिया क्यों नहीं बोला? शुक्रिया बोलना चाहिए था अगर उन्होंने हमारी फेवर की थी, उस वक्त मदद की थी। मैं खुद एजुकेशन के शोबे से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन कैसी है पाकिस्तान की, बताएं मुझे, क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें इंसान बना रही है? क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम इस लेवल की है कि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को ही समझ सकें? देखिए ना, एजुकेशन का तो ये हाल है, मुझे पता है कि दुनिया के जो 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल है, ठीक है। दूसरी बात ये बताएं कि फारगु तहसील जो नौजवान होता है, मुझे बताएं एक फारगु तहसील जो नौजवान होता है क्या वो मार्केट में जाकर अपनी फील्ड में जाकर इसके हलाल कमाता है? हम सिर्फ नौजवानों को ये भी नहीं पता कि हमारे हमसाया ममालिक का नाम क्या है, नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी है हमारी। ऐसे आप CSS के रिजल्ट देख लें, उसमें आपको ये बात बिल्कुल खुल के सामने आएगी
हम सिर्फ मनी मेकर मशीन पैदा कर रहे हैं बस, कि आपने जाके पैसा, इसके अलावा इल्मी, इवन के आप देखें कि जिन लोगों ने मास्टर्स किया होता है उनके अंदर भी किसी किस्म की इल्मी गहराई नहीं है, फील्ड के मुताबिक ही नहीं पता होता है। नहीं पता होता, इसमें कोई शक नहीं, आप किसी भी देखें, और जो सिस्टम चल रहा है बेहतर सिस्टम चल रहा है, चंद एक सवाल आठ अट्टे लगा के वो पास हो जाते हैं, एजुकेशन होती तो आदमी सतह पे भी हमारे लोगों को सराहा जाता, वो तुम्हारी डिग्री को जो है वो वैलिड नहीं करते, तो इसमें हम किस किस चीज़ का रोना रहे, डिग्री को बिल्कुल भी नहीं वो समझते। इसमें देखें जब आए दिन हमारे यहाँ ऐसी खबरें आती हैं, बूटी माफिया है, मैं खुद जानता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग पास होते हैं जिन्होंने पेपर ही नहीं दिए होते हैं, तो ये तो इसमें कोई शक नहीं, फिर वो जब मेरिट पर देखते हैं तो वो इस चीज़ को उन्हें पता चल जाता है। हमारे यहाँ कितना बड़ा स्कैंडल आया था कि जल्दी डिग्रियाँ बेची जाती हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि हर यूनिवर्सिटीज़ में माफियाज मौजूद हैं जो आपको हर किस्म की डिग्री, और सबसे बुरा हाल सिंध कराची का है, और मुझे खुद ऐसे लोगों के एक दो बार ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा हम आपको कराची यूनिवर्सिटी से ला के डिग्रियाँ प्रोवाइड कर देंगे, वो बिल्कुल ओरिजिनल होंगी, और अगर उनकी वेरिफिकेशन HSC होगी तब भी वो दुरुस्त साबित होंगी, तो ये हाल है। हमारे पास फिर क्या नॉलेज होगा बताएं, नॉलेज तो है ही नहीं ना, यही तो वजह है कि आज हम हमारे डॉक्टर्स जो निकल के आ रहे हैं उनकी आप काबिलियत देखें, इंजीनियर्स देखें, हमारे नौजवानों का आप देखें, तो बात तो ये है कि ये तो इसमें बस जो है वो इसमें अगर आलमी दुनिया हमें क्रिटिसाइज करती है हमें वो अहमियत देने को तैयार नहीं, तो वो अपनी जगह पे जायज़ हैं, ठीक हैं, क्योंकि उन्हें ज़ाहिर है जो हमारे यहाँ की खामियों का हमसे भी ज़्यादा पता है, क्या उनके जो एम्बेसिडर्स हैं या उनके सफारत खान हैं वो हर रोज़ अपने मुल्क को रिपोर्ट नहीं भेजते हैं, तो ये हमारी सारी खामियाँ वो हम ये समझ लें कि वो हम लोगों से भी बेहतर जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू।